Okay, so good evening, everyone. I'm Archie, and I welcome you all to another episode of the talk session with the government teachers organized by SarkariSchool.in. तो सरकारी स्कूल वी सिटीजन्स फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है. इस प्लेटफॉर्म पे हम इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट टीचर्स की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं. और आज हमारे साथ एक ऐसी ही बहुत प्रेरणादायक टीचर मौजूद है, संध्या रे मैम, जो कि बिहार के प्राथमिक विद्यालय बेगम सराय में प्रधान अध्यापिका हैं. तो हेलो मैम. नमस्ते. नमस्ते मैम. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मैम. थैंक यू आपने हमारे सेशन को ज्वाइन किया. तो मैम, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को. बताने का तो कुछ ऐसा है नहीं मेरे पास. आई एम अ सिंपल टीचर, सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका हूँ, और बस यही मेरा परिचय है. और कुछ तो अचीवमेंट वैसी है नहीं मेरी. हाँ, एक स्कूल चलाती हूँ, छोटा सा स्कूल है मेरा, जो कि एक दलित बस्ती में है, जहाँ ढेर सारे बच्चे आ रहे हैं अभी पढ़ने. फिलहाल तो बंद है स्कूल, और वहीं पे मैं पिछले 15 सालों से उस स्कूल में हूँ, और मैं HN भी हूँ वहाँ की. तो अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे स्कूल में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके. यही है मेरा परिचय, और कुछ खास नहीं है. ओके मैम. तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि टीचिंग प्रोफेशन में आने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो बचपन से ही मैं पढ़ती थी. मेरी माँ एजुकेटेड हैं, उन्होंने उस टाइम पे इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करी है. मेरे दादाजी पढ़े हुए थे, मतलब फैमिली में सभी लोग एजुकेटेड हैं, तो मेरी भी पढ़ाई हुई. और इसी तरह मैं आ गई. 2005 में मैंने ये ज्वाइन किया एज ए शिक्षा मित्र. मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया तो उस वक्त शिक्षा मित्र का नाम दिया गया था हम लोगों को, और मैं आई शिक्षा मित्र बन के स्कूल में, और तब से अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके मैम. तो मैम, जहाँ आप पढ़ाते हैं बिहार में दलित बस्ती में, तो वहाँ इतनी गरीबी होने के बावजूद भी आपने पूरा विद्यालय स्थापित किया और वहाँ पर शिक्षा का माहौल बनाया, तो वो मैम आपने कैसे किया, वो हमें बता सकते हैं? कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रह, बस यही था और कुछ तो है नहीं. और मेरे स्कूल के और टीचर जो है, मेरे कलीग्स, उन लोगों का काफी सपोर्ट रहा, और बच्चों का, खासकर बच्चों का काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे. बच्चे तो काफ़ी छोटे होते हैं प्राइमरी स्कूल के, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, मेरे बच्चे जो है, यानी कि मेरे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं. उनका IQ लेवल काफ़ी हाई है. आई एम नॉट अ डॉक्टर, अ साइंटिस्ट, बट उनको देख के, उनके साथ मैं रहती हूँ, वो मुझे ये फील होता है कि इनका IQ लेवल काफ़ी हाई है. सिर्फ उनको एक रास्ता दिखाने वाला चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए उन लोगों को. होता है ना कि किसी टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता हो किसी को समझाने को, लेकिन ये मेरे जो बच्चे हैं उनके साथ ऐसा नहीं है. उनको बस एक बार बताना होता है और उनके हाथ ऐसे खड़े होते हैं, यस, हमेशा, ऑलवेज, जब भी कुछ पूछो हाथ दिखा देते हैं कि हाँ याद हो गया. तो अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरा मेरे बच्चों के साथ. गरीबी तो है, बहुत ज़्यादा गरीबी है आर्ची, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. इतनी गरीबी है वहाँ कि बच्चे काम करते हैं. जब मैं शुरू में गई थी स्कूल में, तो वहाँ क्या होता था कि बच्चे भी चले जाते थे माता पिता के साथ काम करने, और सिर्फ खाने के वक्त आ जाया करते थे स्कूल में. जो मध्याह्न भोजन बनता है, मिड डे मील, उस वक्त आके खा के फिर निकल लेते थे. हमारा स्कूल जो है 3 कमरों का स्कूल है, और स्कूल में बाउंड्री वगैरह भी नहीं है, क्योंकि ये बीच में है, बस्ती के बीचों बीच हमारा स्कूल है. तो बच्चे जस्ट आते थे और जाते थे, यही डेली का रूटीन था. क्लास में आपको बच्चे नहीं मिलते थे. तो धीरे धीरे मैंने कोशिश शुरू की, डोर टू डोर गई भी, बच्चों को घर से लाने भी गई, और उनकी बातें भी सुनी. वहाँ के जो गार्जियंस थे, तो उनको समझाया भी कि नहीं, आप भेजिए,
वो नहीं काम करने जाएगा। बहुत बहुत समझाना पड़ा। फिर मैंने क्या किया, स्कूल में मैं शिक्षा विभाग से माफी मांगूंगी कि मैंने, हमारे यहाँ बिहार के स्कूलों में एक चेतना सत्र होता है, असेंबली जिसको कहते हैं, उसका नाम है, रूटीन जो हमारा बनता है उसमें फर्स्ट पीरियड जो होता है वो चेतना सत्र कहा जाता है, तो मैंने उसका नाम ही बदल दिया, उसका नाम रख दिया हैप्पी आवर। ठीक है, और बच्चों को अच्छा बताया कि यहाँ पे कुछ वैसी पढ़ाई वढ़ाई नहीं होने वाली हैप्पी आवर है ये, इसमें खेलना है, हंसना है, गाना है, जो करना है करो। ओके, आपको जो भी करना है, कविता सुनानी है सुनाइए, डांस करना है कर दीजिए। तो इसी तरह से मैंने हैप्पी आवर लाया और बच्चे बड़े मज़े लेके आने लगे। फिर क्या किया, अब यूनिफॉर्म मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि बच्चों को यूनिफॉर्म में कैसे लाया जाए, क्योंकि गरीबी इतनी थी, पैसे तो मिलते हैं तो, लेकिन वो पैसे कहीं और खर्च हो जाया करते थे। तो फिर मैंने टेक्निक निकाली, मैंने कहा हैप्पी आवर में तो आ गए सारे बच्चे, आने लगे बहुत सारे, 250-300 बच्चे आने लगे हैप्पी आवर में, और मैंने टॉफी देना शुरू किया कि जो हैप्पी आवर में आएगा उसको टॉफी मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों को तो टॉफी बहुत प्यारा होता है, वो आने लगे, और उसके बाद मैंने कहा कि जो यूनिफॉर्म में आएगा उसको 2 टॉफी मिलेगी। ठीक है, तो अब बच्चों में हो गया कि यूनिफॉर्म भी पहन के आना है, तो धीरे धीरे वो लोग यूनिफॉर्म में आ गए। और उसके बाद मैंने टाई बेल्ट भी बच्चों को कहा कि आप लोग टाई बेल्ट पहनोगे तो ज़्यादा खूबसूरत दिखोगे। धीरे धीरे ऐसे करके टाई बेल्ट भी बच्चे पहनने लगे, और आज हमारे स्कूल में लगभग 90% बच्चे ड्रेस में आते हैं, ड्रेस कोड में आते हैं विथ टाई एंड बेल्ट। 10% अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि नया एनरोलमेंट होता है तो उसको फिर धीरे धीरे लाना पड़ता है। यही सब कर रही हूँ। और फिर अब हैप्पी आवर तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन स्कूल में कैसे टिके बच्चे। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने एक टेक्निक बनाई कि बच्चों को, छोटे बच्चे हैं प्राइमरी सेक्शन के बच्चे जो हैं, तो उनको खेलना बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो मैंने उन लोगों को एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें करवानी शुरू की, खेल खेल में पढ़ाई। तो ये हो गया कि मैम तो खेल करवा रही हैं, खिला रही हैं, पढ़ाई तो हो नहीं रही है, तो बच्चे और इंटरेस्ट लेने लगे, और धीरे धीरे ऐसे ही बच्चे क्लास में आ गए। और अब ऐसा हाल है कि बहुत अच्छा रीड एंड राइट करते हैं बच्चे, बहुत ही डिसिप्लिन हो गए हैं मेरे बच्चे, मैं कह सकती हूँ। तो ऐसे ही मैम छोटे छोटे उपाय करती रहती हूँ बस, और क्या है। मैम आज से आपके जो भी आइडियाज हैं वो बहुत ही क्रिएटिव है। जो भी बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं वो बहुत ही लकी हैं, आप इतने नए नए आइडियाज ऐसे उनको पढ़ाते हैं। कभी तो कभी ऐसा मैम होता है कि जैसे स्कूल में छुट्टी लेनी है, मैं भी लेती हूँ कभी कभी, कहीं जाना है तो फिर क्या करें, लेकिन अब ऐसा लगाव हो गया है बच्चों से कि मैं छुट्टी के दिन में स्कूल जाती हूँ, एक राउंड लगा के आती हूँ स्कूल का। और जैसे मैं स्कूल गई तो बच्चे असेंबली में खड़े हो रहे होते हैं या शुरू हो चुका हो, लेकिन जैसे ही मैं जाती हूँ सारा लाइन वाइन टूट जाता है और सारे बच्चे दौड़ के चले आते हैं मेरे पास कि मैम आ गई। जबकि मैं बोलती हूँ कि आप लोग पहले हैप्पी आवर कर लो उसके बाद मिलेंगे, लेकिन नहीं, सारा लाइन टूट जाता है हम लोगों का और सारे बच्चे मेरे पास आ जाते हैं कि मैम आ गई, जबकि मैं रोज जाती हूँ। फिर ये रोज का नजारा है, ये जब भी मैं स्कूल जाती हूँ तो बच्चे दौड़ के आएंगे, सारे बच्चे आएंगे और प्रणाम करते हैं, इसको कहते हैं पांव छू के प्रणाम करना। मैं मना करती हूँ आप लोग मत करो, आप बच्चे हो, आप तो खुद भगवान का रूप हो, लेकिन पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता। वो सीन अगर आप देखेंगी तो आपको यकीन नहीं होगा, मतलब हर गली से बच्चे निकलते हैं। जैसे मैं जा रही हूँ तो छोटा छोटा रास्ता है गांव में, तो पता नहीं चलेगा कि कब कहाँ से बच्चा निकलेगा और वो मेरा पांव पकड़ लेगा। मैंने बोला भी कि तुम लोग गिरा दोगे मुझे किसी दिन, ऐसे में गिर जाऊंगी, कहीं से आ जाते हो। बस ऐसे ही चल रहा है स्कूल, फिलहाल तो अभी बंद है और बच्चे काफी हतोत्साहित हो गए हैं। अभी जब भी स्कूल जाती हूँ तो बच्चे पूछते हैं, आते हैं पूछने के लिए कि मैम स्कूल नहीं खुलेगा, क्योंकि बस्ती में मेरा स्कूल है, तो आ जाते हैं बच्चे। फिर उनको बताया जाता है कि नहीं अभी नहीं खुला है बेटा, आप जाओ। तो अब इसके लिए भी एक छोटा सा प्रयास हो रहा है मेरी तरफ से कि
कि मैं बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के, जिनके पास ही फोन अवेलेबल है, जिन माता पिता के पास, उनका एक छोटा सा बना के मैंने, और उनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाती हूँ। बच्चे पढ़ रहे हैं और इसी तरह चल रहा है अभी धीरे धीरे, देखिए आगे क्या होता है। और भी बहुत सारी चीजें दिमाग में चल चल रही है मेरी, लेकिन जब स्कूल खुलेगा तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन है तो सबसे लास्ट में खुलेगा हम लोगों का, पहले तो बड़े बच्चों का अच्छा खुलेगा। हाँ जी। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कई लोग हैं जो लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं, उन्हें लगता है कि लड़कियों को तो बस घर का काम करना चाहिए। तो आपके विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं और आपका इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन है? मैं बता दूं आपको, मेरे स्कूल में लड़कियां ही ज्यादा हैं, ओह लड़कियों वाह की तादाद ज्यादा है और बहुत लड़कियां हैं। क्लास 1 से 5 तक लड़कियों का परसेंटेज ज्यादा है, और बहुत सब खुशी खुशी आते हैं, बच्चियों को भेजते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत सजग हो गए हैं मेरे स्कूल के आसपास के लोग, और मैं बीच बीच में टोकती रहती हूँ लोगों को कि नहीं ऐसा करना चाहिए। पेरेंट्स मीटिंग भी करवाती हूँ। शुरू शुरू में तो लोग आना नहीं चाहते थे पेरेंट्स मीटिंग के लिए, क्या मतलब टाइम वेस्ट होगा मेरा, तो जी शुरू किया, धीरे धीरे 2-4 लोग आए, फिर 10 लोग आए, इसी तरह अब आते हैं। जब भी बुलाया जाता है तो पेरेंट्स आते हैं और बैठते हैं, सुनते हैं, अपनी बात भी रखते हैं, इसी तरह जोड़ रही हूँ लोगों को, और तो कुछ नहीं है, ऐसा धीरे धीरे कर रही हूँ। तो मैम बहुत लोगों को ये भी भ्रम होता है कि सरकारी स्कूल्स में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती, या फिर जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनका इतना डेवलपमेंट नहीं होता एज कम्पेयर टू वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो आपका क्या विचार है इस पे? सबसे पहले तो आपका टैगलाइन है ना, सरकारी सरकारी, उसके लिए 2 थम्स अप। और मैं बता दूं आपको, सरकारी इज ऑलवेज अ सरकारी, है ना। आप किसी भी विभाग में देख लो, ऊंचे पदों पे कौन होते हैं, जितने भी आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, कौन होता है, वो एक गरीब का बच्चा होता है, उसने कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से ही अपनी स्कूलिंग की होती है, पढ़ाई की होती है। लेकिन कहने का क्या है, कहने को तो लोग कुछ भी कह देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। कहने सुनने की बातें बहुत है, लेकिन अभी जो हमारे सरकारी स्कूलों में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाई को अलग ही लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो कहने सुनने की बातों पे ना जाए तो अच्छा है, रिजल्ट को देखा जाए, परसेंटेज देखा जाए कि किस तरह का अचीवमेंट, अभी मैट्रिक का देखा जाए, इंटर का देखा जाए, देखिए ना कितनी अच्छी परसेंटेज आ रही है, लड़कियों की भी आ रही है, उसमें परसेंटेज हाई हो रही है। तो सरकारी कहने वालों का अलग है, वो कुछ लोग होते हैं, 2-4 लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं, आप जैसे लोग भी हैं जो सरकारी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी मैम। तो मैम मेरा नेक्स्ट प्रश्न ये है कि जब से कोरोना का काल आया है सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, एडुकेशन को भी मिला के। तो जैसे अभी आपने भी बताया कि क्लासेस बंद हैं, प्राइमरी स्कूल्स वाले बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस टाइम आप उन बच्चों को कैसे एडुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑनलाइन की बात अगर की जाए तो हमारे बिहार में एक सबसे बड़ी लर्निंग कम्युनिटी है, टीचर्स ऑफ बिहार, शायद आपने नाम सुना हो, और उसके फाउंडर है श्री शिव कुमार सर, और मुझे भी उस ग्रुप का हिस्सा बनने का मौका इसी बार मिला है, जिसमें एक ग्रुप बनाया गया है कि उसका नाम ही है स्कूल ऑन मोबाइल। तो उस स्कूल ऑन मोबाइल में क्या होता है कि हम जैसे बहुत सारे टीचर, लगभग 50 से ज़्यादा टीचर हैं, 50+, वो टीचर क्या करते हैं कि हम लोग लाइव हो जाते हैं और बच्चों से लाइव होके लाइव क्लासेज अटेंड करते हैं। तो वो भी हो रहा है, वो भी बिहार के टीचर ही, सरकारी सारे के सारे टीचर सरकारी स्कूलों के हैं, उसमें जितने भी टीचर हैं वो सारे सरकारी स्कूलों के टीचर हैं। और तो और सिर्फ लाइव ही नहीं, पढ़ाई हो रही है सच में। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि उसमें बच्चे आपको मुझे होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में डालते थे कि
यहाँ तक कि मैंने साइंस का पढ़ाया, क्लास 8 का साइंस मैं पढ़ा रही थी, तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि बच्चों ने वीडियो कमेंट भेजा मुझे। एक करना था, उसका एक्टिविटी थी, साइंस में तो सारे प्रयोग होते हैं, तो मैंने बोला था कि आप अगर हो सके तो कीजिएगा। तो बच्चों ने किया और उसका वीडियो बना के मुझे सेंड किया कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि क्या बच्चे हैं, मैंने तो कह दिया, अब उन बच्चों ने करके भी भेज दिया। तो ऐसे हो रही है पढ़ाई, लाइव भी हो रही है, ऑनलाइन हर मुद्दे पे सरकारी टीचर डटे हुए हैं, कहीं कोई चीज रुकी हुई नहीं है। और बच्चों की पढ़ाई भी जहाँ जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो कि कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा बहुत अपना योगदान दे रही हूँ, लेकिन बहुत ऐसे टीचर हैं जो कि आपको कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा मैम, तो मैम आपने जैसे बताया कि आप 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आपके जो जितने भी साल आपने पढ़ाए हैं, कोई एक ऐसा स्पेशल मेमोरी या फिर कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? 15 साल तो हो गया, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि 15 साल गुजर गए। और स्पेशल मेमोरी तो रोज ही बनती है मेरी, समझ रही हैं आप, मेरा हर डे स्पेशल होता है स्कूल में। आप यकीन नहीं करेंगी कि ऐसे ही बोल रही है, लेकिन सचमुच में कभी आप मेरे स्कूल आओगी तो आपको ये दिखेगा नज़ारा कि हर दिन स्पेशल होता है मेरे स्कूल में। मतलब अलग ही नज़ारा होता है, स्कूल का माहौल ही अलग है, बच्चों के साथ पता ही नहीं चलता कि कब टाइम गुजर गया। तो इस रोज मेरा जो है स्कूल का रोज स्कूल स्पेशल ही होता है, ऑल डे इज स्पेशल फॉर मी एंड माय स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा बहुत स्पेशल फील करती हूँ मैं, अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ कि मुझे मौका मिला इन बच्चों से मिलने का। अगर शायद नहीं इस स्कूल में जाती तो इन बच्चों से नहीं मिल पाती। बहुत तरह के यूनिक टैलेंट हैं बच्चों के, मैं देखती हूँ, जबकि छोटे हैं, काफी छोटे बच्चे हैं, तो मतलब कहें ना रोज कुछ नया मुझे वहाँ, मैं उन बच्चों से सीखती हूँ। आपको मैं बता दूँ, इतनी गरीबी है वहाँ कि बच्चे जो है खाना भी नहीं खा के आते, बहुत सारे बच्चे दो दो दिनों से भूखे रहते हैं और स्कूल में आते हैं, फिर भी उनकी फेस पे आपको पता नहीं चलेगा, वो बताएंगे नहीं आपको, किसी को नहीं बताएंगे कि हाँ खाना नहीं खाया है। वो स्पेशल क्या कहें उस मोमेंट को, मैं फील करती हूँ उस चीज़ को रोज, उस चीज़ से गुजरती हूँ। तो बच्चे आ तो जाते हैं, हैप्पी आवर हो गया, वो टॉफी, एक दो टॉफी जो होती है उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो बच्चा 2 दिन से भूखा हो सोच के देखिए। और वो अपनी भूख दबा के स्कूल आता है और बैठता है उस लाइन में, पूरा डिसिप्लिन के साथ बच्चे बैठते हैं। और जब हैप्पी आवर हो जाता है, जब क्लास की बारी आती है कि हाँ चलिए भैया अब पीरियड शुरू होगा, क्लास लिया जाएगा, तो क्लास में भी जाते हैं और फिर वो 5 मिनट मांग के टीचर से किचन की तरफ जाते हैं, किचन के गेट से वो झांकते हैं कि क्या खाना बन रहा है या बन गया। अगर वहाँ उनको चावल बना हुआ दिख जाता है कि हाँ कुक ने चावल बना रखा है, दाल सब्जी अभी नहीं बनी है, तो वो उसको कहते हैं कि मुझे दे दीजिए, वो चावल दे दीजिए मुझे, थोड़ा सा खिला दीजिए। तो मुझे वो लोग आते हैं बताने के लिए, बच्चा सब ऐसे ऐसे, तो मैं कहती हूँ दे दीजिए। और उनको ये नहीं कहिएगा कि मैम जान रही हूँ, क्योंकि उनको ये नहीं बताना है, मैम के सामने ये नहीं होना है कि मैम जाने कि हम भूखे हैं, मैं तो जान रही हूँ, लेकिन मैं उनको कहती हूँ कि आप मत बताइएगा कि मैंने मैम को बोल दिया। और फिर वो बच्चे जो है वहाँ बैठ के उनको मार और भात, जिसको कहा जाता है बिहार में चावल का जो होता है, तो नमक के साथ वो बच्चे खा लेते हैं, फिर क्लास अटेंड करते हैं। और फिर जब टाइम होता है 12:30 में हमारे स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, तो उस वक्त फिर वो लोग बैठ के खाना खाते हैं। तो अजीब एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके लिए वर्ड नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उस एक्सपीरियंस को जो मैं रोज करती हूँ वहाँ स्कूल में अपने बच्चों के साथ। तो मैम, जो भी आपने हमें अभी प्रॉब्लम्स बताई, क्या
तो क्या कोई लोग हैं या फिर या बच्चों के पेरेंट्स या फिर कोई और टीचर्स जो आपकी सहायता या फिर सहयोग करते हैं इस कार्य में? मेरे स्कूल में हम कुल 6 टीचर हैं। मैं हूँ HM, और 5 मेरे और साथी शिक्षक हैं, और 3 कुक हैं इस स्कूल में। 3 कुक हैं खाना बनाने के लिए बच्चों के लिए, और बच्चे तो हैं ही। और सहयोग क्या करेंगे, कोई वहाँ पे कैसे सहयोग करेगा? सारे गरीब हैं, जितने भी ग्रामीण हैं बहुत गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमा के लाते हैं तो खाते हैं, इतनी गरीबी है वहाँ। तो उसमें वो क्या सहयोग करेंगे? बट मैम, जैसे आप जैसे लोग इस सिचुएशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उसके लिए आई रियली थैंक यू। तो मैम, एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे सरकारी स्कूल्स के बारे में या फिर इन जनरल हमारे दर्शकों से? सरकारी स्कूल के बारे में क्या बोलूं, मैं तो खुद उसका हिस्सा हूं, और एक टीचर नहीं, मैं अपने आप को हमेशा ऑलवेज मैं समझती हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं जो सीखती हूँ वही वहाँ बच्चों को जाके फिर उनसे शेयर करती हूँ, और कुछ नहीं। क्योंकि गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। हमारे प्राचीन समय की बात अगर की जाए तो कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, है ना? तो उनको तो बहुत ऊंचा पद दे दिया गया, लेकिन मैं उस लायक नहीं हूँ अभी। लेकिन हाँ, एक कोशिश रहती है कि ऑलवेज मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि आई डू समथिंग फॉर माय स्टूडेंट्स एंड माय सोसाइटी। और हर एक सरकारी स्कूल में जहाँ भी बच्चे जाएं उनको अच्छी शिक्षा मिले, यही आशा करती हूँ। और क्या कहा जाए सरकारी स्कूल के बारे में, कोशिश लगातार की जा रही है, और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस इसी लाइन को लेके हमेशा मैं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलती हूँ, और अपने कुलीग्स को भी कहती हूँ कि घबराना नहीं है, करते जाना है, अपना काम करते जाना है। अब आगे क्या होगा वो मैं नहीं जानती, लेकिन हम जो कर सकते हैं उन बच्चों के लिए वो हम करेंगे। और बस यही सब करते करते बच्चों के साथ टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ जी मैम, तो मैम थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे सेशन को ज्वाइन किया। आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी इतनी वैल्यूएबल बातें बताई, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आपको भी, और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से आभार है, बहुत थैंक यू आपको इस तरह के इवेंट को करने के लिए, हम जैसे टीचर्स को बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।